हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, हम रेडी होके जा रहे हैं अंशु के स्कूल में, क्योंकि आज अंशु का जो है रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम कितना हो रहा होगा, 10 बजने वाले होंगे, तो 10:30 हो चुके हैं और हम रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। मिलने वाला है तो साल भर की मेहनत का फल, अंशु ने जो भी किया है आज पता चल जाएगा। बहुत बोलता है ना मम्मा, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। कैसा लग रहा है आज आपका रिजल्ट मिलने वाला है? अच्छा लग रहा है। आगे तो क्या लगता है? फर्स्ट की उम्मीद है अभी। फर्स्ट की उम्मीद है। अगर सेकंड आ गया तो, और थर्ड आ गया तो है? हाँ, मेरे पास नहीं है। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से हमारी गली से आगे से हम लेंगे ऑटो, ऑटो में चलेंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है गाइस स्कूल। अभी हम बस पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे ऑटो। रिया को भी लेके जा रही हूँ आज अंशु के स्कूल। तो रिया मैडम, कैसा लग रहा है आपको स्कूल जाने में? तेरा भी रिजल्ट आएगा इस दिनों में। कितने तारीख तक आ जाएगा? है इलेक्शन के बाद तारीख है किसके? आज का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ना? सो गाइस, हम लोग अपनी गली में पहुंच चुके हैं। मौसम कैसा है? अजीब सा मौसम हो रखा है, तूफान सा आ रहा है आज का। ये गई अंशु की गली में, अंशु की स्कूल वाली गली में रोड। रोड पूरी नहीं बन गई, पता है ये ठीक कर दी रोड पूरी। पहले बहुत गड्ढे थे, अभी ठीक कर दी। कपड़े तो नहीं आई ये है। सो गाइस, हम लोग अंशु के स्कूल में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है हो चुके थे, बस थोड़ा सा लास्ट का ही टाइम था, हम थोड़ी सी लेट में पहुंचे थे। तो यहाँ पे टीचर्स जो है रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दे रही हैं, तो हम थोड़ा सा लेट में पहुँचे और इसके थोड़ी देर बाद ही अंशु का नंबर आ चुका था। तो फिर अंशु को रिपोर्ट कार्ड मिला और थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल आ गए थे, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ था भी नहीं। तो दो स्कूल हैं, ये प्ले वाला स्कूल है जो कि 8th तक है, और आपने एक बार औरत मैंने दिखाई थी वीडियो, तो वो इनका बड़ा स्कूल है, मतलब प्रिंसिपल एक ही हैं, तो वो है इंटर तक। इसलिए अभी अंशु शुरू से इसी में पढ़ता हुआ आया ना, तो हमने उसका उधर ट्रांसफ़र नहीं किया है। और ये प्रिंसिपल मैम हैं, सारी टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं यहाँ पे। उसका रिपोर्ट कार्ड देख के यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और इसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर से। मैंने रिया से कहा है कि थोड़ा कैमरा घुमा दे, तो यहाँ पे लेते जा रहे थे हम लोग, आते जा रहे थे, फिर हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। ये भी अंशु की टीचर्स हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ, तो बहुत ही प्यारी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत ही अच्छी हैं। और गाइस, ये है अंशु का रिपोर्ट कार्ड, जो कि अंशु हमेशा की तरह फर्स्ट आया है। तो अभी हम देखेंगे बाकी। ये है स्कूल, प्ले स्कूल है, देख सकते हैं कितना प्यारा है, छोटा सा। और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम भी एक दो पिक्चर्स लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे। तो ये पूरा स्कूल है, छोटा सा प्यारा सा। मार्क्स 98 किसमें हैं? इंग्लिश में है, 97 हिंदी में है, मैथ्स में 90 मार्क्स। सबसे ज़्यादा तेरे EVS में आए हैं 90। रुको, एक से 97 किस में आए? आ जाओ, कल से इसको अंदर डाल दो बेटा। नहीं,
अंशु जब को भी ले लो, किसी दिन चली जाऊंगी तो याद करना। अरे आंटी अभी कुछ नहीं होगा आपको। अंशु जब 2.5 साल का था ना गाइस, तो आंटी ही संभालती थी छोटे छोटे बच्चे को। ठीक नहीं रहती बेटा, चलो तो आंटी भी ध्यान रखना। बच्चों का बच्चों की सेवा करती हूँ। हाँ हाँ सही बात है, बच्चों के साथ थोड़ा मन लगा रहता है ना। चलिए गाइस टुक टुक, पहले वहाँ तक तो चलो। वो दीदी लोग देख कितने आगे पहुँच गए। सो गाइस यही था अंशु का स्कूल, अब हम वापस जाने की हमारी तैयारी है। इसी में रिटर्न हो जाए। और 99 जो आए हैं ना वो सब में होने चाहिए। किसी में 91 है, किसी में 97 है, किसी में 98 है और किसी में 99 है। ठीक है, अच्छा लगेगा ही बेटा। तो सर इस रिपोर्ट कार्ड ले लिया था, इसके बाद हम मार्केट में ही उतर गए थे। मतलब पूरा हम घर तक नहीं आए क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। तो यहाँ की ये छोटी सी मार्केट हमारी लोकल मार्केट, और बस यहाँ से मुझे कुछ लेना था तो चलते हैं जहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। एक्चुअली मुझे एक कुर्ती सीनी है आलिया कट की, तो उसके लिए मुझे कपड़ा चाहिए था। मैंने कहा चलिए जब आए हैं तो चलते हैं, तो यहाँ पे दुकानें हैं इसके अंदर चलते हैं। मुझे कभी भी कपड़े लेने हो तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं, थान के कपड़े आप देख सकते हैं। मुझे कुछ सीखना होता है तो मैं अधिकतर ना इसी टाइप के कपड़े लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-4 अच्छे में भी देख रही थी, ये बड़े महंगे महंगे लगा रहे थे, मतलब कितने पता नहीं कितना कह रहे थे इसका, मगर कपड़ा बहुत प्यारा है समर्स के लिए। बट मुझे अभी सीखना है तो मैंने कहा चलिए इसको नहीं लेंगे, तो मैं अभी देखूंगी। और ये है पिछोड़ा, ये भी मुझे लेना है, ये मैं बाद में लूंगी। इसमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन पड़ा हुआ था, छोटा सा हल्का सा था, आजकल खूब चल रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ लेके जाओ। उसके बाद मैंने कपड़ा ले लिया था आते वक्त। हमारे घर के बगल में भाभी की शॉप है, हमेशा मैं यहाँ से अपना जो भी कॉस्मेटिक का सामान होता है मैं यहीं से ही लेके जाती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी इसके बाद, और मैं अपने लिए कुछ देख रही थी छोटा मोटा जो कि मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने एक नेल पॉलिश ली है और एक कुर्ती में लगाने के लिए लेस ली है। बस अभी देख ही रही हूँ, ज़्यादा कुछ लेती नहीं, 2-4 आइटम मैंने ले रखे हैं। इसके बाद हम सीधे पैदल पैदल आ जाएंगे क्योंकि घर के बगल में ही है, मार्केट में ही गाइस हमारा घर है। मार्केट हमारे वहाँ से बस हम पैदल ही आते हैं, पैदल ही जाते हैं, मतलब पास में ही है। घर की गली से जब हम मुड़ते हैं तो दुकानें स्टार्ट हो जाती है। और ये यहाँ पे आइसक्रीम, हमने कहा चलो पैदल पैदल खाते खाते जाएंगे, तो अंशु यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा, बहुत ही चालू है पता है ये, मतलब महंगी महंगी आइसक्रीम ही देखता है। तो उसको पसंद नहीं आ रही थी तो ढूंढने में लगा था सबसे अच्छी वाली आइसक्रीम कौन सी है। तो यहाँ पे आइसक्रीम ली, खाते खाते हम लोग मस्ती में चलते हुए घर पहुँच चुके हैं। तो स्कूल में तो ज़्यादा मतलब कुछ था नहीं, हम थोड़ा सा लेट ही पहुँचे थे। और उसके बाद फिर हम मार्केट गए, मार्केट से मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया, कुर्ती बनाने के लिए लिया क्योंकि घर में पहनने के लिए कुर्ती नहीं थी, तो कपड़ा ले लिया है। उससे टाइम लग गया, फिर वहाँ से आए, फिर भाभी की दुकान में गए, वहाँ से मैंने एक दो सामान लिया, वहाँ से लेस ली है कुर्ती में लगाने के लिए बफुल का। पहले आराम करते हैं, हाथ मुंह धो धा के कपड़े चेंज कर ले। गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस आज फिर मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं अपना रिंग लाइट जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था। मुझे इसके लिए बहुत सारे मैसेज भी आए थे बीच में, तो ये मैंने ना दूसरी बार मंगाया है। एक बार मैंने मंगाया था जो कि मुझे रिटर्न करना पड़ा, ये दूसरी बार मंगाया था। तो मैंने कहा चलिए इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करते हैं। रिंग लाइट और विथ ट्राइपॉड, मतलब ट्राइपॉड तो रिंग लाइट का ही है, ये है तो इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं बताऊंगी कि ये कैसा है। तो ये मैं हम लोगों ने ऑर्डर किया था अमेजोन से। करते हैं अंशु को दे देती हूँ मैं फ़ोन क्योंकि मेरा ट्राइपॉड हो रखा है बेकार। सो गाइस जो भी मैं रिंग लाइट अपने वीडियो में कभी कभार यूज़ करती हूँ वो इसी का ही है, डिजिटिक का है। बट मैंने वाला रिटर्न कर लिया, मैंने एक दो बार बनाया था वो दिक्कत कर रहा था तो मैंने इसको रिटर्न कर लिया। फिर ये नया आया है उसी प्राइस में, वही है प्रोडक्ट, बस थोड़ा सा मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था। और ये जो मैंने पहला निकाला है इसमें है रिंग लाइट, तो ये इस तरीके से पैकेजिंग में आया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहले वाला रिटर्न करने का रीज़न ये था उसका जो स्टैंड था ना वो रुक नहीं रहा था, इसलिए मुझे उसे चेंज करना पड़ा। इस बॉक्स में आता है इसका स्टैंड,
जो कि एक पंथ दो काम करते हैं। मुझे रिंग लाइट चाहिए भी था और मेरा जो ट्राईपॉड है पुराना वाला वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसलिए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी ताकि मेरा रिंग लाइट भी हो जाए और जो है फ़ोन लगाने के लिए स्टैंड भी हो जाए। तो ये इस तरीके से आता है और ये कागज़ पूरा इसमें दिया गया है, आप इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और मुझे ना बहुत पसंद आया, मतलब बजट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बढ़िया है। इसका जो प्राइस है वो 1100 से 1200 के समथिंग है, तो अगर आप इसी बजट में कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ रिंग लाइट। तो ये रिंग लाइट इस तरीके से आया, थोड़ा से इसकी जो हाँ ये इस तरीके से निकला है, इसमें जो इसकी वायर है अभी मैं दिखाती हूँ कितनी लंबी है। तो ये इतनी लंबी है, ये देखिए, इसे आपको ना अपने फ़ोन का जो अडेक्टर होता है उसमें लगा के इस रिंग लाइट को जला सकते हैं। तो इसमें ये दिया गया है रिंग लाइट को मतलब घुमाने के लिए, चाहे आप कोई सी भी डायरेक्शन में इसे घुमा सकते हैं। तो मैं भी आपको पास से दिखाऊंगी। इसके बाद इसके अंदर निकलता है स्टैंड जिसमें आप रिंग लाइट को लगाते हैं। तो मैं ना आजकल क्या कर रही हूँ, अपनी जो वीडियो है मतलब मैं रिंग लाइट तो तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। जैसे कोई मेकअप वीडियो या कुछ ऐसा हो तभी रिंग लाइट का काम है, वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ। बट मैं ये सोच रही थी कि एक चीज़ में दो मतलब एक में दो काम निकल जाए, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत होती है, लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए कभी कभार चाहिए होता है। तो ये इसका स्टैंड है, आप इस तरीके से इसको खोलेंगे, मतलब ऐसे सीधा करते रहेंगे जैसे ये लोग खोल रहे हैं, तो ये आसानी से जो है इस तरीके से नीचे को घुमा देना है, तो ये अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद इसकी लेंथ की बात करेंगे गाइस, तो मैं इसे आपको अच्छे से ओपन करके दिखाऊंगी कि इसकी लेंथ कितनी जाती है। तो ये है, इसको इस तरीके से इसके स्टैंड को आप खड़ा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। पहला वाला ना थोड़ा सा ढीला हो रहा था, अगर मैं उसमें फ़ोन रखती तो शायद मतलब नीचे को खिसक रहा था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न किया था। तो इसमें नट दिए गए हैं जिससे आपको ढीला करते हुए आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे तीन नट दिए गए हैं, तीनों को ढीला करते हुए अपने स्टैंड को आप बड़ा और छोटा आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए मैं घुमा रही हूँ, और पहले एक स्टेप मतलब एक बार ऊपर करके फिर उसको कस लेती हूँ, फिर दूसरा वाला जो दिया गया है उसको खोल के फिर करते रहेंगे। इस तरीके से आप इसको एक जैसे छोटा बड़ा आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी रिया रिंग लाइट मैं आपको पूरा जला के दिखाऊंगी, और मैं किस तरीके से थोड़ा बहुत करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसको मैंने इस तरीके से टाइट कर दिया है, अगर आप इसको टाइट करेंगे तो ये नीचे नहीं खिसकेगा आसानी से। और इसके बाद इसके ऊपर लगेगा, तो अभी मैं और बड़ा कर रही हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट मतलब कितनी जाएगी। ये पता मेरे बराबर इसकी हाइट है, रिंग लाइट लगा के मेरे से और ऊँचा चला गया, तो सही लगा मुझे, मैंने इसे फिर रख ही लिया। तो इतनी इसकी आ रही है, अभी हम रिंग लाइट पूरा लगा के इसको चेक करेंगे। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, आप इसके में पूरा इसका दिया गया है, और ये है फ़ोन होल्डर, आप इसको इसमें घुमाते हुए इस तरीके से। अगर आप रिंग लाइट नहीं लगाते, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो में इस तरीके से इस बस इसी को लगा के इसके अंदर अपने फ़ोन लगा के वीडियोज़ बनाती हूँ, यानी मुझे ट्राईपॉड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसमें, ये एक पंथ दो काम करेगा। तो ये है, देखिए मैंने इसको लगा दिया है, और मैं अभी आपको अपने फ़ोन को भी लगा के दिखाऊंगी। सबसे अच्छी बात ये है, इसका जो फ़ोन होल्डर है उसकी क्वालिटी का इस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डर लगता है ना कि फ़ोन छोड़ ना दे। कई कबार जो ट्राईपॉड होते हैं ना उसमें मतलब इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, फ़ोन गिरने का भी डर रहता है, बट ये इतनी अच्छे से फ़ोन को मतलब पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, कि मतलब जब तक आप इसको खींच के नहीं निकालोगे ना तब तक फ़ोन निकलता भी नहीं है। तो आप फ़ोन को दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, आप फ़ोन को खड़ा करके अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, रील बनाना चाहते हो, आप आसानी से बना सकते हो। अगर आपको फ़ोन अगर ब्लॉग बनाना है, फ़ोन को तिरछा करके भी आप आसानी से, आपको ना पता है फ़ोन निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरीके से आप इसको घुमाएंगे ना तो ये घूम जाएगा। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन पे लेके जा सकते हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे आप करना चाहें आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन को निकाला भी नहीं, बस इसको घुमा दिया है, तो ये डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इतनी ये इस तरीके से आ रहा है, मैंने भी थोड़ा सा छोटा कर रखा है। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको रिंग लाइट, ये है रिंग लाइट। तो पूरी डिटेल जो भी है गाइस, मैं इसका ना लिंक दे दूंगी, आप पूरा जितना भी आप इसकी लेंथ या कितना जो भी जानना चाहते हो आप पूरा उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें बटन दिए गए हैं, ये है इसके बटन जिसमें
पूरा दिया गया है, ये रिंग लाइट है, तो इसे मैंने अभी अपने फेस पे लगा रखा है और लाइट कर रखी है ऑफ़। चलिए मैं आपको अपनी वॉइस में वो कराती हूँ। मैं बोलो मत अभी। सो गाइस इसको एडजस्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जो कि रिया और मैं लगे थे, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ लो तो आसानी से लग जाता है। तो जो फ़ोन होल्डर था उसको निकाल देना है, फ़ोन होल्डर लगेगा रिंग लाइट के अंदर, बस कुछ नहीं करना, उसके अंदर दिया रहता है, आपको बस उसके अंदर लगाना है। और इसमें भी आपको मतलब दिया गया है, आप अपने रिंग लाइट को किसी भी डायरेक्शन पे लगा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सेम वही चीज़ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से हम रिंग लाइट पे, यानी पहले फ़ोन को ऐसे लगाते हैं और इसके बाद फिर मैंने इसको अपने फ़ोन का जो चार्जर होता है उसके अंदर लगा लिया है। और ये देखिए इसमें बटन दिए गए हैं जिससे ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑन हो जाता है। लाइट का भी दिया गया है, लाइट यानी आपको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, 3 लाइट इसमें है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो ऐसे, प्लस बड़ा आप इसे कर सकते हो। फेस पे लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको, तो लाइट ये है, लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। प्लस और माइनस से कम ज़्यादा लाइट होती है, इससे आप अपनी लाइट चेंज कर सकते हैं इस वाले बटन से, इससे ऑन ऑफ होता है। बाकी तो मैंने बता ही दिया, ऐसे ये फ़ोन होल्डर कहीं पे भी घुमा सकते हो आप इसको, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो गाइस इसके बाद मैं इसको लेके चले गई हूँ किचन पे, तो किचन पे मैंने इसको लगा लिया है। जब भी मेरी लाइट कम होती है ना, तो नाइट के टाइम पे, डे पे तो खैर सनलाइट की वजह से काफ़ी उजाला रहता है, तो इस तरीके से मैं इसको लगा लेती हूँ पास में। तो आप इसकी रिंग लाइट को मैंने बताया था कहीं पे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इतनी लाइट इसमें से आती है, फ़ोन को कहीं पे भी ले जाके आप ऐसे किचन में भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यही था गाइस, मैं इस तरीके से कभी कभार करती हूँ जब लाइटिंग की मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो भी था, ये रिंग लाइट और स्टैंड, मुझे काफ़ी पसंद आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो का भी गाइस यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।